भारत और बांग्लादेश के बीच सूचना, तकनीकी, व्यापार और विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए आपसी समझौता किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौजूदगी में दोनों देशों के अधिकारियों ने इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच अनेक क्षेत्रों में विकास योजनाओं को पूरा किया गया है, आगे भी इस दिशा में तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। भारत बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप पाइपलाइन पूरी की गई है। भारतीय ग्रिड से होते हुए नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली निर्यात ऊर्जा क्षेत्र में सब रीजनल सहयोग का पहला उदाहरण बना है। एक ही वर्ष में इतने सारे एरियाज में इतने बड़े इनिशिएटिव्स को जमीन पर उतारना हमारे संबंधों के स्पीड और स्केल को दर्शाता है। फ्रेंड्स, आज हमने नए क्षेत्रों में सहयोग के लिए फ्यूचरिस्टिक विजन तैयार किया है। ग्रीन पार्टनरशिप, डिजिटल पार्टनरशिप, ब्लू इकोनॉमी, स्पेस जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग पर बनी सहमति का लाभ दोनों देशों के युवाओं को मिलेगा। भारत बांग्लादेश मैत्री सैटेलाइट हमारे संबंधों को नई ऊंचाई देगी। इस मौके पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखते हुए बांग्लादेश भी तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पिछले एक वर्ष के दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में जो सहयोग हुआ है उससे दोनों देशों को लाभ होगा। To Prime Minister Sri Narendra Modi for inviting me to undertake the state visit to New Delhi. This is my first bilateral visit to any country after Bangladesh's 12th parliamentary elections and the formation of our new government in January 2024. I thank the government of India for extending warm hospitality to me and my delegation. Ladies and gentlemen, India is our major neighbor, trusted friend and regional partner. Bangladesh greatly values our relations with India. इससे पहले दोनों नेताओं ने आज सुबह अपनी मुलाकात के दौरान आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने अपनी भारत यात्रा के दौरान आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। शेख हसीना ने राजघाट पर जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। गौरतलब है कि शेख हसीना भारत की दो दिवसीय यात्रा पर आई हुई हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कल शाम उनसे मुलाकात की और दोनों देशों के बीच ऊर्जा, रक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की।